So finally we have made it. So it was really really tough. So welcome back to the channel everyone. This is me. I hope everyone is doing great. So जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा है कि हम थोड़ा इम्फाल आए विच इज़ इन मणिपुर. सो हम एक्सप्लोर करने वाले टू द अनदर पार्ट ऑफ इम्फाल जो थोड़ा बहुत फेमस है बट है थोड़ा बहुत, तो हम वो एक्सप्लोर करने वाले हैं विद वन एंड ओनली नॉट ओनली पुष्पक जो अपने साथ ब्लॉग में जो इम्फाल के सीरीज में आपने बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के सीरीज में देखा. अपने साथ अनिरुद्ध दा भी है इधर जिन्होंने आपको जिस जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि उन्होंने थोड़ा नागा हेरिटेज विलेज एंड वॉर सीमेंट्री ऑफ नागालैंड के बारे में बताया था. यहाँ पे भी है शायद से वॉर सीमेंट्री. तो अब फिलहाल के लिए हम जा रहे टू वॉच दी मार्केट विच इज कौन सा मार्केट है अनिरुद्ध. अभी हम लोग इमाम मार्केट जाएंगे जहाँ पे वो ऑल वुमेन्स का मार्केट है वो और वहाँ पे सब ये जो शॉप बना रहे वो सब लेडीज का. अच्छा, तो ये भी बहुत अच्छा है, मज़ेदार वाला इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है जगह है वो. हाँ, बहुत अच्छा लगेगा. अच्छा, तो चलिए देखते हैं अभी उधर क्या क्या मिलता है. Finally we have made it to the market guys. So ये वाला मार्केट की खासियत जैसे कि अलीपुर दा ने बोला था कि ये सब जो मार्केट में जो सब लेडीज़ वाले शॉपकीपर्स रहते तो उनका ये खासियत है. सो हम तो अभी थोड़ा बंद होने का टाइम पे आए बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 6:30 एंड एवरी वन इज जस्ट क्लोजिंग दियर शॉप्स एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड ऑफ मी. सो अभी अगर आप आते तो आप थोड़ा जल्दी आइए गाइस बिकॉज अगर ये टाइम पे आओगे तो थोड़ा सा आपको बंद मिलेगा इसीलिए. द सेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ईटेबल आइटम्स एंड ऑल जैसे कि मसाला से लेके सब कुछ हो चुका है. सो थोड़ा थोड़ा क्लोज हो चुका है तो इसीलिए थोड़ा हम लोगों को एक्सप्लोर करने मिल रहा है नहीं मिल रहा. फिर भी फ्रूट्स का तो अभी भी खुला ही है थोड़ा वो शॉप अब देखने जाए तो कपड़ा होने का ही है. हाँ, वो एक क्लोज होने वाला ही है तो जितना जल्दी थोड़ा सा देख लेते पहले हैं. हाँ, इधर 6 से पहले आप आ जाओ. अगर 5:30 तक भी आकर ट्राई करते हो आने का तो आप आ सकते हो गाइस. तो इधर मैं मार्केट पे आया एक आंटी से मैं अपना उनका एक्सपीरियंस जानता हूँ थोड़ा बहुत. आपको मार्केट का भी मैं हिस्ट्री बताऊँगा गाइस. तो आंटी बताइए ना थोड़ा सा. नमस्कार आंटी बताइए. नमस्कार, वो हमारा कस्टम का सब सामान है. ये तामुन भी तो सब खाता है ना. वो सब कस्टम का चीज है. अच्छा, हमारा हम यहाँ मिलता है सब्जी. अच्छा, ये मिलता है को सब क्या क्या मिलता है इस मार्केट में स्पेशली. स्पेशली तो मणिपुर में मिलता सब्जी बेम्बू का सोयबूम. अच्छा, सोयबूम बोरी नारी नारी और कबो. ये कबो चावल से बना हुआ है. ये क्या है? ये चावल लड्डू. ये लड्डू है. अच्छा अच्छा, चावल से बनाए हैं. ये कसम का सब कसम का चीज. ये क्या है? हमारा कसम का शादी और मरने के पास थोड़ा करता है. टाइमिंग मतलब कितना बजे से स्टार्ट होता है? अगर सुबह 5 बजे से आप सुबह 5 बजे से आता है? इससे पहले भी आता है. 1 बजे से सब आदमी यहाँ मिलता है. अच्छा, गाँव से सब आदमी यहाँ में. अच्छा, आएगा. अच्छा आएगा. वो हमारे यहाँ. अच्छा अच्छा, थैंक यू आंटी. अभी आपको नागालैंड वाला लैंग्वेज मतलब मणिपुर का लैंग्वेज आता आएगा ना? थैंक यू को क्या बोलते हैं? थाका सही. थैंक यू आंटी. तो ये था आंटी के साथ थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस जाना, थोड़ा मार्केट के बारे में जाना. तो आई होप आपको थोड़ा हिस्ट्री भी देख के मज़ा आया, मतलब सुन के उनका भी एक्सपीरियंस जान के मज़ा आया होगा गाइस. तो इधर भी मुझे एक और आंटी मिले जो इधर राइस वाइस बेचते हैं तो उनका भी थोड़ा एक्सपीरियंस जान लेंगे.
जो ये देख रहे हो आप, दिस इज द ब्लैक चावल है। अच्छा फेमस चावल है, अच्छा मणिपुर का स्पेशल अच्छा, और ये खीर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खीर बनता है। अच्छा आप कितना बजे से आते हो मार्केट पे? अच्छा सुबह 7:30 से आप कितने बजे तक बैठते हो मार्केट में? 6:37 अच्छा 6:37 मतलब ऑलमोस्ट अभी बंद करने का टाइम हो गया है। हम जैसे लोग मोटिवेट हो रहे होते हैं कि हमको भी कुछ करना है करके, आप ऐसे करते रहिए, हमको भी ऐसे आशीर्वाद देते रहिए, हमको भी ऐसा ये करते रहिए। हमारी एक और आंटी इधर भाई बोल दीजिए आप भी। तो इट वॉज रियली रियली ग्रेट टॉकिंग विद आंटीज एंड ऑल, और एंड इट वॉज रियली रियली ग्रेट एक्सपीरियंस ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द लेडीज मार्केट ऑल्सो। अगर आप इम्फाल आ रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस मार्केट्स ऑल्सो गाइस, क्योंकि इट वॉज रियली रियली ग्रेट एक्सपीरियंस एंड वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और पुष्पक भाई आपका तो फर्स्ट टाइम है, तो आपका कैसा था एक्सपीरियंस? एकदम आपके लिए भी एक नया एक चीज था ना आंटी के साथ, मोटिवेशन हुआ कि नहीं? मोटिवेटेड हुआ कि नहीं? एकदम पूरा मोटिवेटेड होके आ रहा हूँ अभी मैं, मेरे को बहुत खुश हुआ मैं इधर में आके। हाँ या आप लोग को भी आना चाहिए। हाँ अभी भी आप इम्फाल आ रहे हो तो अभी इम्फाल कैसा पहुँचे हमारे लोकल अनिरुद्ध आप बोल देंगे कि कैसा पहुँच सकते हो आप? इम्फाल में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से पहुंच सकता है। हाँ हाँ, और आप अगर ट्रांसपोर्ट से आएंगे तो वाया नागालैंड होके आ सकते हैं। अच्छा वाया नागालैंड, वो भी रास्ता भी बहुत मस्त है, आप जैसे कि अपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। तो बाकी तो आप अपना बजट सेट करके आ सकते हो कभी भी, या तो नागालैंड होके आप नागालैंड भी घूम के थोड़ा इधर इम्फाल भी थोड़ा घूम के आ सकते हो, डैट विल बी अ बेटर चॉइस। सो अपेरेंटली इट्स अनदर डे फ्रॉम इम्फाल, सो अभी अपनी जर्नी जो कंटिन्यू कर रहे टुवर्ड्स दीमापुर इन नागालैंड। सो इम्फाल, अभी इम्फाल में बारिश हो रही है। सो स्टार्टिंग में को लगा था कि बारिश थोड़ा ड्रिजलिंग हो रहा है तो इतना ज़्यादा बारिश नहीं हो रहा है, बट अभी इतना बारिश होने आधा घंटे बाद देखा तो इतना बारिश हो रही है कि पूरा लाइक एन मानसून सीजन आउट ईयर। सो अभी अपनी जर्नी यहाँ से कंटिन्यू हो रही टुवर्ड दीमापुर, विच विल टेक अस अराउंड एटलीस्ट 8 to 9 hours का ड्राइव है, क्योंकि फ्लाया कोयमा हमको जाना है, कल का रास्ते सीम वापस उधर ही रिटर्न के जाना है अपने को। सो अभी चेंज द प्लान है कि हम लोग यहाँ से अभी फ्लाई करेंगे टुवर्ड्स गुवाहाटी, फ्रॉम हियर हम बाय रोड कम्प्लीट नहीं कर जाना ड्यू टू सम इश्यूज आउट हियर। सो जो इश्यूज तो उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ से बाई फ्लाइट टुवर्ड्स दी गुवाहाटी जाएंगे, और बाई कार। नहीं तो अपना प्लान कैसा था कि यहाँ से हम दीमापुर जाएंगे, दीमापुर से वहाँ से हम लोग का प्लान था कि ट्रेन यहाँ से दीमापुर से हम लोग एनजेपी तक ट्रेन पे जाएंगे। सो अपना प्लान था कि अभी यहाँ भी प्लान ऐसा हुआ कि हम लोग अभी यहाँ से इम्फाल से ही हमको फ्लाई करके टुवर्ड्स गुवाहाटी जाना है, फिर गुवाहाटी से फिर वापस एनजेपी की तरफ जाएंगे। चलो अभी इस टाइम अभी रजनी भाई का अभी ट्रिप खत्म, मिलेंगे बहुत जल्द। जब भी आप नॉर्थ ईस्ट आ रहे हो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं इधर रखता हूँ। तो अभी अपना फ्लाइट कर मतलब कि अभी पहुँच गए एयरपोर्ट, तो अभी इनसे भी विदा लेने का टाइम आ चुका है। चलिए रजनी भाई मिलते हैं। सो फाइनली वी हैव मेड इट टू द गुवाहाटी एयरपोर्ट, अभी जस्ट पहुंचे। और एक और चीज़ गाइस, कि अगर आप इम्फाल एयरपोर्ट में जाते हो तो इम्फाल एयरपोर्ट दिस वापस और डिफेंस एयरपोर्ट है, तो इसीलिए वीडियो एंड फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड आउट देयर। अब हम जा रहे हैं अभी बाहर गुवाहाटी एयरपोर्ट के बाहर। सो इट सीम्स दैट इट विल रेन राइट नाउ, बिकॉज जहाँ तक जब लैंडिंग हो रहा था तभी ऐसा लग रहा था कि इट विल रेन। अगर आप सजेस्ट करते किसी को नॉर्थ ईस्ट में कितना दिन रहना चाहिए सब लोग को, नॉर्थ ईस्ट अगर सजेस्ट करोगे तो? डिपेंड करता है, हम लोग जो रूट सोच के ना उसके लिए आपको 7-8 days का। अच्छा वो एटलीस्ट 1 week का तो रहना चाहिए, एटलीस्ट 1 week, क्योंकि हम लोग तो 1 night जाके हो गए, तो एटलीस्ट 2 nights के हिसाब से 1 week का। अगर अरुणाचल ये सब चाहिए तो एटलीस्ट 10 nights के आसपास। 10 nights
बोलना सर मेघालय वगैरह चाहिए तो आपको 10-12 रुपये का होगा। हाँ वही एटलीस्ट लगे पकड़ लीजिए 15 दिन से आने जाने का कॉस्ट लेके। हाँ सो अभी स्टेटस और अपडेट ये है कि हम लोग अभी अपना ट्रेन बुक कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग को अभी सिलीगुड़ी की तरफ जाना है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं। वी आर बुकिंग आवर टिकट्स टू ऑल थ्री NJP स्टेशन। सो वी आर वंस अगेन इन गुवाहाटी सिटी गाइस। सो हम लोग इधर कैसे पहुंचे मैं बताता हूँ। सो फर्स्ट वी टुक बस फ्रॉम द गुवाहाटी स्टेशन, मतलब फ्रॉम द गुवाहाटी एयरपोर्ट। फ्रॉम देर यू गेट अ बस ऑल्सो, फ्रॉम देर यू कैन कम फ्रॉम बस टू वॉस दी पल्टन बाजार। मतलब हम लोग अभी पल्टन बाजार के इधर ही है। सो अभी थोड़ा गर्मी से स्टार्ट कर लिया। सो यहाँ पे जस्ट हम लोग इधर खड़े पल्टन बाजार पुलिस स्टेशन जस्ट बिहाइंड ऑफ मी, दैट इज द पल्टन बाजार पुलिस स्टेशन। उधर ही सामने एक बस डेपो होता है, बस पल्टन बाजार बस डेपो के उधर ही आपको उतरना है। एंड इट इज़ हैंडल बाय आसाम का स्टेट से ही बस, इट इज़ हैंडल बाय द गवर्नमेंट ओनली द बस। सो द बस वॉज रियली नाइस एंड इट इज़ ऑल, मतलब कि पूरा एयर कंडीशनर वाला बस था, तो इतना ठंड ही लग रहा था बस में भी। सो इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस जर्नी, बट द एयरपोर्ट इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हियर। इट टुक अस अराउंड मोर देन 1 आवर आई थिंक। सो 1 आवर तो लगी गया बिकॉज हम लोग शाम को भी स्टार्ट हुए, तो इट वॉज ट्रैफिक भी था एंड प्लस एयरपोर्ट इज़ क्वाइट फार फ्रॉम गुवाहाटी मेन सिटी। तो आप जब भी आ रहे हो ना, तो आप पहले अगर आप गुवाहाटी एयरपोर्ट से फ्लाई कर रहे हो, इफ़ यू आर हैविंग अ फ्लाइट देन यू शुड एटलीस्ट लीव 1-2 hours बिफोर प्रायर बिफोर द फ्लाइट, बिकॉज बाद में आपको ट्रैफिक मिलेगा, फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपको फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो एटलीस्ट 1 आवर प्रायर तो आपको एनी हो फ्लाइट के उधर पकड़ना ही है, तो तब जाके आप इजीली बस हम ये पकड़ पाओगे अपना फ्लाइट। सो आई एम इन द स्ट्रीट्स ऑफ पल्टन बाजार विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ फॉर स्ट्रीट शॉपिंग इन गुवाहाटी आसाम। सो एज यू कैन सी वन ऑफ द बिजिएस्ट, जैसे कि ट्रैफिक भी है, शॉप भी सब स्ट्रीट शॉपिंग भी चालू है, सब कुछ चालू है। एंड इधर इवनिंग को इसलिए हुआ है, इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चालू है गाइस। तो दिस इज़ द बैक व्यू ऑफ पल्टन बाजार। तो आप इधर वॉकेबल डिस्टेंस भी है, तो स्टेशन से भी बहुत नज़दीक है गुवाहाटी स्टेशन से, आप इजीली एक्सेसिबल भी है गुवाहाटी स्टेशन से, बट एयरपोर्ट से एकदम दूर है। इट्स ऑलमोस्ट 25-30 किलोमीटर्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। जिसको हमको कवर करने के लिए एक घंटा लग गया इतना ट्रैफिक प्लस बहुत ज़्यादा ये लगता है एयरपोर्ट, इट्स ऑलमोस्ट आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी, सो इसलिए हमको पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। आई होप आपका शॉर्ट्स देख के अच्छा लगा रहेगा। सो अभी का जो प्लान है, सो अभी प्लान ये है कि अभी थोड़ा कुछ देर इधर की तरह आराम करेंगे, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 6:25 सो इन द इवनिंग। सो हम लोग का ट्रेन जो है फॉर NJP इट्स अराउंड 9 o'clock, सो स्टेशन भी नियर बाय है, तो ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है। सो अपडेट ऑन अभी का क्या चल रहा है अपडेट। सो अभी मैंने अभी जस्ट चेंज वेंज कर दिया, एक रेस्टोरेंट में थोड़ा रिलैक्स करके बैठे थे, तो थोड़ा क्योंकि इधर थोड़ा चेंजिंग वेंजिंग भी करना था, तो इसीलिए थोड़ा चेंज वेंज भी कर लिया। सो अब अपना जो मैं ट्राई कर रहा था, दैट इज आसामीस थाली, तो वही हम लोग एक रेस्टोरेंट है विच इज़ नोन एज महाकाली करके, इधर लोकल्स ने इधर हम लोग को सजेस्ट किया कि यू शुड हैव देयर ओनली। सो हम लोग अभी आ चुके हैं एक रेस्टोरेंट में विच इज़ महाकाली रेस्टोरेंट। जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग अभी डिनर के लिए महाकाली रेस्टोरेंट में जाने वाले। सो सर हमारे सर आ चुके जो ओनर है इस प्लेस का, तो आप थोड़ा सा इसका लोकेशन बता दीजिए और क्या स्पेशलिटी है आपका रेस्टोरेंट का भी बता दीजिए। तो ये स्पेशली है तीतल मच्छी। अच्छा तीतल, तीतल मतलब कैसे? बड़ा वाला फिश होता है। अच्छा फिश होता है। एक होता है झींगा मच्छी। हाँ हाँ प्रॉन। अच्छा और इलीज होता है। अच्छा मटन होता है। मटन मटन। अच्छा मटन भी, मटन भी होता है, चिकन भी होता है। आप टेबल पे बैठे जो खाना है उसके बाद कैसा अच्छा लगा। अच्छा अच्छा क्या कर रहा है? रेडी स्पीड मिलता है। अच्छा रेडी स्पेशल जो आपका जो सेल होता है, मतलब स्पेशल मच्छी इलीज
दिल्ली चौक से चलिए मटन। अच्छा मतलब कितना दूर है स्टेशन से एयरपोर्ट से वगैरह? जो टूरिस्ट नहीं आता है टूरिस्ट को तो पता तो बगल में है यहाँ तो एयरपोर्ट तो दूर है। आज उधर से 25 किलोमीटर होगा। हाँ वो 25-30 किलोमीटर तो है। 25 किलोमीटर तो एग्जैक्ट लोकेशन का पल्टन बाजार में कहाँ पे? क्योंकि पल्टन बाजार तो बहुत पल्टन न्यू रोड अच्छा उसको नंबर वंबर नहीं है ना? न्यू रोड 1, 2, 3 कुछ है तो नंबर। ये कौन सा स्ट्रीट है? न्यू रोड नंबर कुछ रहता है नंबर पल्टन बाजार। अच्छा स्ट्रीट नंबर 1 है सर। सो ये था हमारा ओनर के साथ स्पेशलिटी। अभी खाना भी हम थोड़ी देर में अभी और मंगाने वाले हैं। और मैं जब इंटरव्यू ले रहा था हमारे दादा भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाले। और बताइए दादा, यहाँ पे खाने के लिए हम लोग का महाकाल होटल फेमस है। हाँ पल्टन बाजार एक नंबर फिश के लिए। हाँ वही सब आदमी जानता है। अच्छा और दादा भी हम लोग का यहाँ परमानेंट कस्टमर है। अच्छा मटन चिकन आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। या वो आप बिंदास है यार। महाकाल ही फेमस है फिश के लिए, चिकन मटन फिश के लिए। हाँ फिश के लिए वही। अभी मैं दूर दूर से अभी तो मैं मुंबई से ट्रैवल किया नॉर्थ ईस्ट पूरा घूमा। ठीक है तो पूरा अभी सोचा कि कुछ लोकल खा लो। तो खाना था बहुत मज़ेदार। तो थाली हम लोगों ने चिकन थाली खाया था जैसे कि आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा। सो आई हैव फाउंड लिटिल कस्टमर्स आल्सो हु एंजॉयड देयर मील। और सबका कैसा था खाना? अबाउट दिस रेस्टोरेंट। अच्छा तो हाउ मेनी इयर्स यू आर कमिंग इन दिस प्लेस? अच्छा 4-5 डेज। ओके सो डू यू लाइक द फूड आउट हियर? Thank you. How is the food hunger out here? This food is very sufficient to us. Okay. And it's very delicious. Okay, yeah, that's what I also tasted. Yeah, that's delicious. Yeah. Okay. And the price and this food. Yeah, how reasonable. Yeah, reasonable. I'd like to agree with you that. Thank you. So I just met one more customer. That is the sir's family only. खाना में बहुत एडजस्ट होता है। यहाँ में बहुत सारा खाने के लिए बहुत सारा होता है। कोई भी होटल में जाओ तो अच्छा ही खाना ही मिलता है। फ्रॉम हाउ लॉन्ग यू आर कमिंग हियर? हमें बहुत बार आया है। इस बार तो 3 दिन हो गया इधर में। सो हम लोग ऑलमोस्ट स्टेशन में पहुँचने वाले हैं गुवाहाटी का। और आपने पुष्पक को तो दिखाई नहीं रहेगा ब्लॉग में, तो कैसा लग रहा है पुष्पक भाई वापस अपने NJP जाने के लिए, मतलब कि सिलगुड़ी जाने का है? तो अभी अपना घर छोड़ के जा रहे हैं बस। क्योंकि मैंने जैसे कि बोला पुष्पक का ये वतन है तो इसलिए उसका बहुत प्लेस है, वापस स्टेशन है। बट यहाँ पे आता हम लोग उस दिन नहीं आते, वो तो दूसरा ही जंक्शन। ये दूसरा जंक्शन है अपना, बॉम्बे में भी होता ना कभी कभी। पैंडापुरला रोड से निकले थे हम लोग तभी, उस दिन तभी लंबा रूट था वो। ये थोड़ा नजदीक है, ये थोड़ा ईस्ट वेस्ट का कुछ है इधर। वही ईस्ट वेस्ट, हाँ वही ईस्ट वेस्ट का, लेकिन स्टेशन तो स्टेशन ही है गुवाहाटी। हम दूसरा साइड से निकले थे, मेन गेट से निकले थे, पीछे का रोड से। अच्छा सो हम लोग अभी ट्रेन के पास तो पहुंच ही गए गाइस। जैसे कि आपको पता चल ही गया कि मैं गुवाहाटी स्टेशन में आ चुका हूँ। सो दिस इज़ द ट्रेन विच वी आर गोइंग टू ट्रैवल टिल द NJP। सो ये NJP तक जाएगा, नॉट ओनली NJP, ये मतलब आगे कलकत्ता तक जाता है, लेकिन हम लोग NJP में उतरने वाले गाइस। सो अंदर हम लोग गए ना, इतना गर्मी है, मतलब कि AC बिल्कुल भी चालू नहीं है। आई थिंक सो अभी जब स्टार्ट हो गया ट्रेन जब जाके AC चालू होगा, क्योंकि इतना गर्मी ना, इतना हीटर जैसा गर्मी हो रहा है ना अंदर कि हम लोग, मैं तो नीचे ही आ गया, इतना सह नहीं पाया। एक तो बंद और ऊपर से गर्म। तो अभी ट्रेन के अंदर पहुंच चुके हैं हम लोग। अभी थोड़ा बहुत AC हल्का हल्का चला है, फैन भी थोड़ा, इसलिए अच्छा थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं डायरेक्टली आपको कल के मतलब कि कल मिलता हूँ। अभी डायरेक्टली थोड़ा सा बात करता हूँ, फिर डायरेक्टली मैं आपको NJP स्टेशन में मिलता हूँ गाइस। सो फाइनली रीच टू NJP स्टेशन आफ्टर अ रियली लॉन्ग वीक। सो इट्स अराउंड नाउ 4:30 अराउंड, बिकॉज द ट्रेन वॉज डिलेड बाई हाफ एन आवर। मतलब कि उधर से तो टाइम से निकला था फ्रॉम गुवाहाटी, बट
वहाँ पर कुछ तो कुछ ट्रैफिक की वजह से ज़्यादा वो नहीं पाए। सो आई होप आपको ब्लॉग देख के मज़ा आया होगा गाइस। सो आ गए आप स्टेशन के बाहर जलपाईगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी के स्टेशन के बाहर आफ्टर अ वीक। सो अभी हम लोग यहाँ पे अभी कैब का वेट। सो यहाँ से आप टूवर्ड्स दार्जिलिंग एंड सिक्किम भी जा सकते हो, इवन नेपाल का बॉर्डर काकरबिट्टा भी जा सकते हो। यहाँ पे शेयरिंग का भी ऑप्शन है एंड इवन ऑन प्राइवेट बेसिस ऑल्सो। सो बैक इन पवेलियन, जैसे कि देख के पता चल गया होगा आपको गाइस, पहुँच ही गए। तो चलो ब्लॉग भी एंड कर लेते हैं, क्योंकि ये मैंने ब्लॉग है ना फर्स्ट टाइम, मैंने दो दिन तक मैंने एक ही ब्लॉग को इतना लंबा शूट किया। सो दैट्स इट विद टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। अगर पसंद नहीं आया तो इसे हिट द डिसलाइक बटन टू। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। सो अभी चेंज द प्लान, चलो अभी इस टाइम अभी रजनी भाई का